किसी को रैंक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि हम आप बराबर फोकस नहीं कर रहे, ड्यू टाइम उसको नहीं दे रहे। तो अब वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन आप अपने क्लास में खुद देख सकते हैं। इसलिए कि जब हम भी स्कूल में थे, तो मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, यहाँ भी हमारे पास भी वैसे बच्चे होंगे। मैं मेरे साथ जो बच्चे पढ़े बिल्कुल ऐसे गरीब घरों से, फार्मर्स, पूर लेबर्स के घरों से बच्चे थे, रोज़ाना स्कूल को आते थे और संडे की तरकारी के मार्केट में अम्मा के बाजू बैठते थे, टमाटर बेचता था बच्चा, गोभी का बच्चा, हर तरह से बच्चे थे। लेकिन वो बच्चे बिल्कुल एक फोकस्ड बच्चे, और उनको भी वही हासिल था वो जो आपको हासिल है। उनको भी पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते थे, एक अच्छा स्कूल था, टीचर्स थे, वो भी उनको मोटिवेट ही करते थे। अब उसके बाद इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो है एक है, एक अंदर, एक इनर। अब फॉर एग्जांपल स्कूल छोड़ दिया, आप सब जब घर को चले जाते, घर को जाने के बाद टीचर कुछ होमवर्क दिए, कुछ पढ़ के आने को बोले, तो जब दूसरे दिन जब क्लास स्टार्ट होगी तब देखे कि अक्सर बच्चे जो नहीं पढ़ के आते ना, उनसे